सो भाई, स्वागत है आपका पीसी टेक वाइट के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं एक एक्सट्रीम बजट पीसी, जो कि होने वाला है अराउंड 20,000 के रुपए के आसपास, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। और 20,000 में मैंने आपको मतलब फुल सेटअप दिया है। इसमें आपको मॉनिटर और कीबोर्ड माउस भी आपको कॉम्बो देखने मिल जाएगा। तो मतलब ओवरऑल ये फुल सेटअप होने वाला है 20,000 के अंदर। भाई मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड की जाए, और इस पीसी में ऐसा ही कुछ है। तो यार ये जो पीसी है ना, आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग कराने कैपेबल है, क्योंकि मैंने इसमें एक ग्राफिक कार्ड भी इंक्लूड किया है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो काफ़ी ठीक ठाक पैकेज आपको 20,000 के आसपास देखने मिल जाता है गाइस, जो कि आपको गेमिंग एडिटिंग वगैरह से करवाने के कैपेबल है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हम ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं, पीसी बिल्डिंग के वीडियोज लाते रहते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस जो फर्स्ट कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में लगाया है वो है i5 3470। अब ये एक इंटेल की तरफ से आने वाला थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है, जिसके चार को चार थ्रेड आपको देखने मिल जाएगा। आल दो ये एक पुराना जनरेशन का प्रोसेसर है, बट फिर भी आपको डिसेंट लेवल की परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगी इस प्रोसेसर के साथ। अगर आप इस बजट में जाओगे 18 से 20 हज़ार के प्रीबिल्ट पीसीज की तरफ जाओगे, देखोगे ना, तो आपको कोई इंटेल पेंटियम चिपका देगा, i3 चिपका देगा। बट हमने इस बिल्ड में चूज़ किया है एक i5 3470। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, जो कि आपको चार कोर चार थ्रेड के साथ देखने मिल जाएगा। तो वैसे अगर मैं इसकी बेस क्लॉक स्पीड की बात करूँ तो ये 2.9 GHz इसकी बेस क्लॉक स्पीड है, और बूस्ट क्लॉक स्पीड इसकी 3.6 GHz है, जो कि काफ़ी कमाल की बात हो जाती है भाई। अगर मैं बात करूँ इसमें एक DDR3 RAM सपोर्ट करता है, जो कि ठीक ठाक है, और आपको इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक देखने मिल जाएंगे, जो कि भाई बिल्कुल घटिया है। आप इसमें गेमिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाओगे, बस आपको सिर्फ स्क्रीन देखने के लिए ही काम आती है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए हमने इसमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड चूज़ किया है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। और ये जो प्रोसेसर है ठीक ठाक है अपने बजट के हिसाब से भाई, आप 20,000 में एक i5 आपको देखने मिल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। तो वैसे जो नेक्स्ट कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड हमने चूज़ किया वो जेब्रोनिक का H61। अब ये जो मदरबोर्ड बहुत बेसिक सा मदरबोर्ड, और इसमें ज़्यादा कुछ खास फीचर्स भी नहीं है, बस आपका जो i5 प्रोसेसर है उसको आराम से सपोर्ट कर लेगा। इसमें आपको DDR3 RAM तक का सपोर्ट आपको देखने मिलता है, जो कि 1600 MHz तक का आपको सपोर्ट इसमें देखने मिलेगा। ऑल दो ये बहुत बेसिक सा मदरबोर्ड है, और इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई अपनी 20,000 के बिल्ड में, ये एक बहुत ही ज़्यादा सही मदरबोर्ड हो जाता है। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताने ये भूल गया कि ये जो हमने पूरे पार्ट्स लिए हैं बेसिकली, जो कि है आपका प्रोसेसर मदरबोर्ड और रैम, ये हमने कॉम्बो में लिया है, जो कि आपको अमेजोन में फिलहाल आपको देखने मिल जाएगा 10,700 के आसपास का इसकी प्राइस है। और ये जो मदरबोर्ड प्रोसेसर और रैम है ये आपको कॉम्बो में देखने मिल जाएगी, तो काफ़ी आपको डिसेंट प्राइस इसकी देखने मिल रही है। आपको कॉम्बो में तीनों चीज़ देखने मिल रही है, और वो भी 10,700 में, तो काफ़ी ठीक ठाक इसकी प्राइसिंग है। मतलब आपको रैम भी देखने मिल जाएगी 8 GB की, प्रोसेसर भी और मदरबोर्ड भी देखने मिल जाएगा। तो ये तो ही आपकी मदरबोर्ड की बात। अगर मैं रैम की बात करूँ तो आपको रैम DDR3 रैम देखने मिल जाएगी, जो कि मतलब 4 GB की दो स्टैक है, मतलब टोटल आपको 8 GB की मेमोरी इस बिल्ड में हम लगाने वाले हैं। अब ये जो रैम की स्पीड है वो इसमें स्पेसिफिक नहीं है कि आपकी रैम की स्पीड कितनी स्पीड में आपका रन करेगी, तो ये एक स्पेसिफिक नहीं था, तो इसके मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई रैम का मुझे नहीं पता आइडिया कितनी फ्रिक्वेंसी में चलने वाली है, तो भाई इसका नहीं पता। बट आपको हाँ 8 GB की मेमोरी देखने मिल जाएगी, जो कि ठीक है भाई, आपको 20,000 के बीच में 8 GB बहुत ही ज़्यादा सफिशियंट है। तो गाइज़ ये तो हो गई हमारे तीन मेन कंपोनेंट्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो स्टोरेज हमने इस बिल्ड में लगाई है ना, वो बेसिकली SSD लगाना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई इस बजट में। तो हमने एक हार्ड डिस्क लगाई है, जो कि 500 GB की आपकी हार्ड डिस्क है। तो 500 GB का हमने इस बिल्ड में हार्ड डिस्क लगाई है, जो कि अभी 72 RPM पे मतलब रन करती है, तो ठीक है भाई, स्पीड भी ठीक ठाक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ आगे बढ़ूँ, तो इसमें जो हमने PSU लगाया है भाई, बहुत ही बेसिक सा PSU है, 450 W का हमने PSU लगाया है, और कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं है। और आपको भी इस बजट में इतना ही लगाना चाहिए, मतलब हमने 700 के आसपास का ये PSU आता है, जो कि फ्रंटेक की तरफ से आता है, 450 W का ये PSU, बहुत ही बेसिक सा PSU, और कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं है। आपको इससे ज़्यादा महंगा PSU लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में देखने जाएंगे तो आपको शायद और भी अच्छे PSU देखने मिल जाएंगे 700 से 800 के बजट में, और आपको वारंटी वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छी PSU में देखने मिल जाएंगी। तो हमने इस बिल्ड में भाई बहुत ही चीप सी हमने PSU लगाई है, जो कि भाई ठीक है भाई अपने बजट के हिसाब से ठीक ठाक है PSU। तो भाई अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, तो आपको जो हार्ड डिस्क है सीगेट की तरफ से 500 GB की, वो आपको 1990 की आपको अमेजोन में देखने मिल जाएगी, और जो फ्रंटेक की पावर सप्लाई है वो आपको 709 रुपीज़ की आपको अमेजोन में देखने मिल जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है भाई वो है इसका कैबिनेट। चीप कैबिनेट ढूंढना ऑनलाइन मार्केट में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप ऑफलाइन मार्केट में एक अच्छा सा कैबिनेट देख सकते हैं भाई, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में ही आपको सस्ता सस्ता और अच्छा कैबिनेट आपको देखने मिलेगा। तो जो
हमने कैबिनेट का प्राइस डिसाइड किया वो है 800, तो 800 रुपये के अंदर आपको कोई अच्छी सी कैबिनेट देखने मिल जाती है तो आप जरूर से परचेज कर सकते हैं। और भाई ये गारंटेड आपको 800 के बजट के आपको हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी आपको कैबिनेट देखने मिल जाएगी। RGB वगैरह तो आपको कुछ भी देखने नहीं मिलेगा इतने बजट में, बट फिर भी आपको जो कैबिनेट है वो आपको देखने तो जरूर मिल जाएगी 800 के आसपास। तो भाई हमने कैबिनेट के लिए 800 रुपये निकाल लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट कंपोनेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, वो है इसका ग्राफिक्स कार्ड। जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में चूज़ किया वो है GT710। अब ये बहुत ही बेसिक का कार्ड है, अभी कंपनी तो कंपनी डिपेंड करता है भाई। ASUS का ग्राफिक्स कार्ड GT710 आप लेने जाओगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है, जो कि 3500 के ऊपर जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप GigaByte जैसी कंपनी के GT710 के साथ जाओगे तो आपको 3500 के आसपास आपको मतलब कम ही देखने मिल जाएगा। तो हमने जो ग्राफिक्स कार्ड है GT710 चूज़ किया है, जो कि आपको 3500 के आसपास आपको देखने मिल जाएगा। अब आपको अच्छी रेंज मिल गई भाई थोड़ा सस्ता मिल सकता है, थोड़ा अगर आपका लक खराब रहा तो थोड़ा महंगा भी आपको कार्ड देखने मिल सकता है, बट ओवरऑल मैं बात करूँ 3500 के आसपास आपको ये कार्ड जरूर देखने मिल जाएगा मार्केट में। तो यार आप इस कार्ड के साथ जा सकते हैं, बहुत ही ठीक ठाक है और आपको बहुत ही लो सेटिंग्स में गेमिंग कराने केपेबल है। अगर आप पबजी वगैरह की बात करो तो भी आपको अच्छी खासी करा देगा, फ्री फायर इमुलेटर में खेलना हो तो भी आपको खेल सकते हो भाई। मतलब मैं बात करूँ ना तो गेमिंग ठीक ठाक आपको करवा देगा, लो एंड ग्राफिक्स में आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग करवा देगा। और भाई आपके जो प्रोसेसर में जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है ये ग्राफिक्स कार्ड, तो आप इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ जा सकते। तो गाइज अगर अब मैं बात करूं पेरिफेरल्स की, तो मैंने इसमें कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो लिया है जो कि ज़ेब्रोनी की तरफ से आता है, बहुत ही बेसिक सा सस्ता सा है, जो कि आपको 350 रुपये में देखने मिल जाएगा अमेज़ॉन में। तो यार ये कुछ नहीं है ज़्यादा, 104 कीज़ हैं इस पूरे कीबोर्ड में और माउस जो आपका 1200 DPI के साथ आता है, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बेसिक सा है और भाई हमारे बिल्ड के हिसाब से ये काफ़ी परफेक्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं मॉनिटर की, तो जो मॉनिटर हमने इस बिल्ड में चूज़ किया है वो ज़ेब्रोनी की तरफ से आता है, 15.6 इंच का एक फुल HD का मॉनिटर है, जो 3500 के बजट का आपको देखने मिल जाएगा। और भाई ठीक ठाक है, आपको काफ़ी सही आपको देखने मिल जाएगा इतने बजट में भाई, और फुल HD है तो भाई आपको 1080p तक की मतलब काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन इस मॉनिटर के साथ देखने मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको VGA का पोर्ट देखने मिल जाएगा, HDMI तक का पोर्ट आपको इस मॉनिटर के साथ देखने मिल जाएगा। तो भाई काफ़ी ठीक है, अपने प्राइस के हिसाब से भाई ठीक ठाक मॉनिटर है और आपको इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। तो गाइस अगर हम बात करें ओवरऑल टोटल की, तो जो ओवरऑल टोटल निकल के आता है वो 21600 के, तो ये जो आपको जो पूरा फुल सेटअप पड़ेगा वो 21600 के आसपास पड़ेगा। और अगर आपके पास कीबोर्ड माउस या मॉनिटर वगैरह है पहले से, तो भाई उससे तो आपको 20000 से भी कम का ये पूरा सेटअप देखने मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ भाई अगर आपके पास जैसे मॉनिटर या कीबोर्ड कुछ नहीं है, तो आप भाई 1000 एक्स्ट्रा लगा के भाई आपको मतलब 21000 करके अपना बजट और इस बिल्ड को बनाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिल्ड है और आप इन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ जा सकते हो जो कि मैंने अभी आपको बताया। बहुत ही शानदार आपका गेमिंग और एडिटिंग वगैरह सब करवा देगा ये PC 20000 में भाई, वन ऑफ द बेस्ट PC है, फुल सेटअप लगा लेके आए भाई आपके लिए। तो गाइज ये थी आज की इस वीडियो में, तो गाइज प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और भाई दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी मतलब बहुत ही बजट बिल्ड देख रहे हो जो भी। तो गाइज अगर आपको चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।